मुंबई के अंधेरी ईस्ट में राष्ट्रीय समाज पक्ष के उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष अशोक पंचाल ने अपनी पार्टी का झंडोत्तोलन किया, जहां उनकी पार्टी में काफी संख्या में ऑटो रिक्शा चालक शामिल हुए। 500 और 1000 के नोट को लेकर होने वाली परेशानी देखते हुए अशोक पंचाल ने जनता के हित में दुकानदारों से मदद की अपील की। प्रशासन को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो मेडिकल ग्राउंड है वो मेडिकल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर में तो वहाँ पर केमिस्ट में ये 1500 के नोट फिलहाल 31 दिसंबर तक जो चल रहे बैंक वाले ले रहे तो उनको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा, विनंती करना चाहूँगा और पब्लिक की समस्या वो हिसाब से दूर हो सकती है और हर आदमी ने वो नोट एक्सेप्ट करने चाहिए क्योंकि उनको अभी वक्त है अकाउंट में भरने के लिए और वो उनका बिजनेस है, ऑलरेडी उनका बिजनेस लॉस हो रहा है तो 1500 की नोट इतनी बैंड नहीं हुई कि वो चलेगी नहीं। 31 दिसंबर तक तो चलने वाली है तो केमिस्ट और मेडिकल और जितनी भी होटल रेस्टोरेंट है वो सबको मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये नोट उन्होंने एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रीय समाज पक्ष में शामिल होने वाले ऑटो रिक्शा चालकों ने भी अपनी समस्या रखी। रिक्शा वालों के लिए कहना चाहता हूँ मैं कि आरटीओ ने शेयरिंग पास तो किया है, आरटीओ ने शेयरिंग पास किया है लेकिन रिक्शा वालों को कुछ ग्राउंड दिया नहीं कि ये शेयरिंग का रिक्शा है, ऐसा कुछ बताया गया नहीं है। क्योंकि शेयरिंग का स्टैंड तुम पास करते हो तो शेयरिंग रिक्शा क्यों नहीं बनाते हो? हम लोग का एयरपोर्ट वालों का ये बोलना है कि गवर्नमेंट ने आरटीओ ने यहाँ पर 25 रुपये का स्टैंड दिया है, यहाँ से एयरपोर्ट का किराया 25 रुपये है। हम लोग पैसेंजर से आप बात कर लीजिए, पैसेंजर से हम लोग 20 रुपये लेते हैं, 5 रुपया पैसेंजर को डिस्काउंट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दर दिन आने जाने वाला, अप डाउन करने वाला है, वो कंपनी में काम करने वाला है जिसका 15,000 रुपये 20,000 रुपये पगार है, दर दिन उससे दोनों टाइम आना जाना है तो दर दिन 25-25 रुपये लेंगे, मतलब दिन का 50 रुपये हो गया, ट्रेन का हो गया, वहाँ से घर पर पहुँचने का हो गया तो 200 रुपये उसका आने जाने में जाएगा तो खाएगा क्या? आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए अशोक पंचाल ने बताया कि पार्टी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारी कर रही है। हमारी तैयारी पूरे बम्बई में जोर शोर से चालू है, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में, अभी हमारे महाराष्ट्र में नगर पालिका चल रही है, वहाँ हमारे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया तो है, पर यह देखना होगा कि राजनीतिक चुनौतियों से लड़ने के लिए पार्टी किस तरह अपनी नीतियों को जनता तक पहुँचाने में सफल होती है। कैमरामैन FS पटेल के साथ अनिकेत अडलिंगे, इन24 न्यूज़, मुंबई।